नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बीसी के बराबर है यदि एबी स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाकर देखते हैं। देखिए, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा भी हो सकता है, अभी हम इसको ऐसा बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया एसी बराबर बीसी है, तो हम इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि यह समकोण है या नहीं है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से बनाया है। ठीक है बच्चों, और इसमें एसी बीसी के बराबर दिया हुआ है। तो आइए हम इसे हल करके देखते हैं। बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए देखते हैं। गिवन है हमें एबी स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए, एबी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना बच्चों, यही मतलब होता है ना। 2AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आगे देखिए, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना बच्चों, AC BC के बराबर है। ये देखो, यहां गिवन है AC बराबर BC। एक AC को तो मैंने AC रहने दिया, दूसरे AC की जगह मैं लिखता हूं BC, क्योंकि AC BC के बराबर है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसका हम रीजन दे देंगे, क्योंकि AC BC के बराबर है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है, है ना, और इसमें AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और हमें पता है एक त्रिभुज में यदि एक भुजा के वर्ग का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय अवश्य लगती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, ये उसका विलोम है, के विलोम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है? यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो यह कोण जो सी है यह 90 डिग्री का होगा। तो इसका अर्थ है कोण ACB बराबर है 90 डिग्री के, और यदि कोण ACB 90 डिग्री है, इसका मतलब सिद्ध हुआ कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये तो बहुत सरल सा प्रश्न था, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।